अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक कुछ बाजू हैप्पी होंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारा पुराना ब्लॉग जरूर देखा होगा। तो आज करते हैं नए ब्लॉग का आगाज। अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हसन फरीद भुट्टा भाई। फिर रात को तुमने आगाज कर दिया ब्लॉग यार। मेरा ब्लॉग ही रात को शुरू होता है, मैं क्या करूं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर, हसन फरीद भुट्टा की गाड़ी वहाँ खड़ी थी, जिसका लास्ट टाइम इन्होंने ट्रैक पे माशाल्लाह उसको बहुत अच्छी चली वो गाड़ी। तो ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसके साथ किया, उसका क्लच गॉन हो गया। तो लास्ट टाइम ये गाड़ी मेरे पास ही खड़ी करके आ गए थे। मैं सुबह से था स्ट्रीट परफॉर्मेंस अपनी ग्रैंडी 2016 मॉडल वाले का काम करवा रहा था, जो 1997 है लिए वो खड़ी है मुनीब भाई मेरे पास। दो ग्रैंडी है मैं वैसे तीन ग्रैंडी है, एक 2015 वाली है, एक 2016 वाली है, एक 1997 वाली है। तो अपना आगे सेमी डॉट ग्रैंडी लिख दे, वो अजीजल M3 GTR जैसे। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर इनकी GTR लेने, वो कराएंगे रिकवरी। तो जी रिकवरी वाले भाई आ गए, उनको हमारा घर नहीं मिला, हम जा रहे हैं रिकवरी वाले भाई को लेने बाइक पे। वो खड़ी है GTR और साथ खड़ी है सनबर्ड की E46 आवर एक्स राइड। क्या सीधी जा रहे हैं GTR से सीधा बाइक पे यार, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हवा की वाइब में स्किल सीखने को मिलते हैं ना आपको, स्किल आ जाते हैं। तो जी जा रहे हैं रिकवरी वाले को लेने। रिकवरी वाले भाई हैं मेरे ख्याल से, वो खड़े हैं। तो जी रिकवरी वाले भाई जो है वो हमारे जानने वाले निकले हैं। लास्ट टाइम में जब अपनी J6 भेजी थी तब भी इनके हाथ ही भेजी थी, लेकिन वो जब भी आते हैं ना, उस्मान भट्ट वाली जी भेजी तब भी इनके हाथ भेजी थी, उजैफा वाली जी भेजी तब भी इनके हाथ ही भेजी थी, लेकिन ये हर दफ़ा आते हैं रास्ता भूल जाते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से इस दफ़ा इनको बताना पड़ेगा कि यार यही गाड़ियाँ निकलती हैं और इस तरह की गाड़ियाँ इनके पास ही हैं कि नहीं। जो बात है क्लच उड़ जाएगी, क्लच उड़ जाएगी भाई जान। ये जो बम्पर है ना, ये 3 लाख रुपये का, इसलिए इसके पास जाते हुए भी डर लगता है। और GTR आपको पता है कि वैल्यू क्या है, इसके पास जाते भी डर लगता है। तो GTR अभी जाएगी वर्कशॉप यकूज़ा हेडक्वार्टर, यकूज़ा HQ। आप लोग को दिखाऊंगा, भुट्टा जी ने ऊपर बहुत प्यारा सा एक कमरा बनाया है, तो अब उधर जाएंगे, मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। और वहाँ पे ना समझ लें आपको पूरी कारगाई वाली वाइब आएगी। उन्होंने शॉक के ऊपर इन्होंने सीट्स लगाई हुई हैं, रिम के ऊपर इन्होंने शीशे रखे हुए हैं, और सारा इन्होंने ऊपर टेक्सचर बनाया हुआ JZX के पोस्चर, और साथ पूरे यकूज़ा हेडक्वार्टर पूरा सिस्टम है। रिकवरी किधर रह गई है, इसको बाहर निकाल देते हैं। The next day. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ पे पुलिस वालों का हमारे साथ, हम कह रहे हैं हमने डोनेट मारे हैं, और वो कह रहे हैं उन्होंने एंट्री मारी, एग्जिट मारा। नहीं नहीं कुछ ज्यादा आंदे क्यों बंद क्यों करना।
ना जी एस एच ओ आ रहे हैं और आके पता नहीं हम फेस करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या सीन बाट बनता है। बाट साहब इधर ही है तो बाट के होता है, मैं टेंशन होनी चाहिए भाई कोई भी नहीं आ रहा। जी ओ यार शेरू भाई व्लॉग्स अच्छा की बड़ी टैड वीडियो बनी है, प्रैक्टिस करेंगे। देख लें पुल चले आ गए हैं, कह रहे हैं जी ड्रिफ्टिंग हो रही है, डोनट्स हो रहे हैं। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बच सकता था, कोई वजह नहीं अभी तक, लेकिन ये कह रहे हैं कोई बच सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। दूसरा सोल्व हो गया है। रियांश जी क्या फील कर रहे हैं? चैप्टर 2500 रुपया में फ्रेश लगा के आ रहा था। 2500 रुपया फ्रेश, ओ माय गॉड। तो 2500 आपने अभी वसूल भी तो किया सड़कों पे कि नहीं किया? ये तू बचा है, अगर तू बचा मेरी बात सुन, अगर तू बचा है तो उस बंदे की वजह से बचा। अच्छा जी, मैंने ये कह रहा तू बट नहीं लगता इसको बट होके दिखाना पड़ता था, फिर इसको सही खेल गया वैंच। थैंक्स शेरू भाई बोला ये देखो वही यार बहुत आला यार क्या बात है जेजी पापे के पुत्र की। भाई यहाँ पे आगे पूछ छिलड़ों की वीडियो भी आनी चाहिए। कहते छिलड़े कहते हैं, छिलड़े कहते हैं जेजी पापा को वीडियो दिखाओ। मैं कहा उन्होंने गाड़ी लेके दी, उनको नहीं पता क्या कर रहा है। One week later भाई का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता 20 अक्टूबर को पार्कविल्स का ऑटो शो आ रहा है। तो हमने यार सोचा कि हम ये मेरी गाड़ी ड्रॉप करें और ये गाड़ी लेके आए पार्कविल्स पे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी चीज इश्यू है ना वो हम आपको दिखाते हैं। आज इधर इधर आए इस बेचारे की नसीब खराब है, इसका भी गियर शैम्पू मटसूरी अभी हम इस पर अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरी कोशिश की थी अपना मटसूरी हम इस पर अटेंड कर पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से पेंट, अंदर इंजन बे पूरा रेडी, सारी टापे शापे ऊपर बहुत गंदे हुए हुए थे। ज़्यादा स्क्रीन भी ना करना पीछे, बस स्क्रिप्ट नहीं लगी ठीक है, वो मुझे पता पीछे स्क्रीन पे लग जाएगा। तो ये तासुरात था हमारी गाड़ी जो मैंने निकाला हुआ, दोबारा इंशाल्लाह करते हैं दोबारा इसको, लेकिन अब कुछ अच्छे के बाद क्योंकि हम पहली 1.5 साल इस गाड़ी पे खज्जल हो चुके हैं। अब यार मूड नहीं, अब दिल कर रहा थोड़ा सुकून करें और थोड़ी लाइफ में ज़रा थोड़ा चाहेंगे कि हमने वो ये चीज़ें साथ साथ हैं। ये गाड़ियाँ टाइम लेती हैं यार, इन पर अगर आप चाहोगे ना कि मैं पहली दफ़ा पे जाऊँ अपना लैब कनेक्ट करूँ और कुछ करके आऊँ, पहली दफ़ा आप रह जाएंगे, दूसरी दफ़ा गाड़ी रह जाएगी, ठीक है इस दफ़ा हमारी गाड़ी रह गई थी, शायद हम कुछ कर देते अपने पे कॉन्फिडेंस हमें था इस दफ़ा। वो ग्रैंडे की अभी सूरत हाल दिखाया जाए तो ग्रैंडे की किट्स हमने लगाई हैं, ठीक है रिमिस का हमने ये नहीं लेके जाना, रिम हम इसको लगाएंगे। 17 लगाना है ना रिम, 18 का अरफात की गाड़ी वाला 17 का रिम लगाएंगे, अरफात की गाड़ी को नया रिम डालेंगे। 18 वो 17 है, लेकिन वो रिम बहुत प्यारा कंकेव है, वो रिम हम इस गाड़ी पे लगाएंगे, अरफात की गाड़ी का, अरफात की गाड़ी को नए रिम डालेंगे, उसकी भी लुक चेंज, इसकी भी लुक चेंज। फ्रंट पे भी लगी यहाँ पे किट, ये भी टूट गई थी क्योंकि कलाम गई थी गाड़ी, तो ये किट टूट गई थी, फ्रंट पे भी लग गई। फ्रंट से गाड़ी का इंटीरियर में काफ़ी ड्रेसिंग हुई है, जिसमें कार्बन फाइबर ब्लैक टच, जिसमें आपको कार्बन फाइबर स्टेयरिंग कवर, उसके बाद कार्बन फाइबर ट्रिम, पेडल शिफ्टर कार्बन फाइबर, ये ट्रिम कार्बन फाइबर। हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी पेंट वाले के पास, इस वक्त हमारे साथ अरफाज भाई, सैमी भाई। अब हम जा रहे हैं रक्षे में वापस शाह जी की वर्कशॉप, वर्कशॉप में जाके फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे, बातें शातें करेंगे, जाएंगे घरों को। हम लोग अभी इश्ताक भाई के पास आए हैं, ये हमारी गाड़ी का पेंट करेंगे। इश्ताक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं इश्ताक भाई? गाड़ी कब मिलेगी हमें? कल मिल जाएगी। मिल जाएगी किस टाइम? 2 बजे। चलो जी 2 बजे गाड़ी मिल जाएगी। अभी ये है कि उन्होंने किट शीट में प्रोटीन श्रीन लगा दी है, रगराई हो रही है गाड़ी की, ताकि जो किट है ना बिल्कुल सरफेस बॉडी के साथ जुड़ जाए। उसके बाद पैक से दिखाएं आपको, बैग से भी गाड़ी की किट लग गई है, अब बैग भी सिर्फ मंजाई हो रही है, मंजाई के बाद फिर देखेंगे कोई ट्रक शक है, अगर ट्रक हुआ फिर पुटियाँ लगा के मंजाई करके फिर गाड़ी कल सुबह पेंट होगी ना, सुबह पेंट होगा 2 बजे में गाड़ी मिल जाएगी। 3 weeks later हम लोग शूट कर रहे हैं आफ्टर पार्कविल्स, पार्कविल्स के कुछ रिव्यू, और माजरत के साथ मैं आपको यकूज़ा हेडक्वार्टर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यकूज़ा हेडक्वार्टर जो है ना अभी रेनोवेशन चल रही है, जिसकी वजह से पूरा कम्प्लीट करके आपको दिखाएंगे क्या सीन पार्ट है। अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे, पार्कविल्स पे हम क्यों नहीं गए यार, एवं दिल ही नहीं माना मेरे पास। ये देखे ये गाड़ी गई, ये जिधर खड़ी है ये मेरी वाली ग्रैंडी, ये गई ठीक है, ये इस गाड़ी का काम चल रहा था ठीक है, खड़ी है
पूरी तैयार है, कुछ भी नहीं है, किटे लगी हैं, रिम मेरे पास थे, ठीक है, कोयलोज मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन यार मेरा दिल नहीं माना। पता क्यों? क्योंकि ना वैसे ही मुझे एक वाइब आ रही थी कि इस दफ़ा शो जो होना ना वो क्राउडेड बहुत होगा, नो डाउट। क्राउड इकट्ठा करना कोई इतना काम नहीं है, है भी और नहीं। बड़ी हुई ग्रैंडी उस गाड़ी की, मत बज गई है, नीचे निशान, ऊपर निशान, एंटीना टूट गया, पीछे से खराब, आगे से खराब। तो गाड़ी के पास आते जाए तो यार ये एक निशान है, शायद वीडियो में इतना ना नजर आ रहा हो, ये भी एक निशान डाल गया है, ये एक निशान डाल गया है, एंटीना आपको दिखाते हैं। यार ये देखे क्या हालात कर दिए यार, गाड़ियों के पास आए हमें मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें सारे आके लोग मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार गाड़ियों के पास है, गाड़ियों को अपना समझें। ये देखें यार ये निशान है, ये देखें ये निशान बड़े हैं। उसके अलावा स्पॉइलर थोड़ा सा नीचे से क्रैक हो गया, हिलता है, ये देखें, क्योंकि इस पर भी लोग पीछे बैठ रहे थे। यार ये चीज़ें जब होती है ना तो फिर हमारा ऑटो शो उसमें आने का दिल नहीं करता। यार मैं तो शुक्र करता हूँ मैंने जीजिक्स पे मेहनत ही नहीं की उसके बाद, जीजिक्स वहीं की वहीं खड़ी है। मैं ग्रैंडी भी मेहनत कर रहा था कि यार चले दो ग्रैंडियाँ मोटर शॉप पे ले जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे मूड चेंज और बहुत अच्छा फैसला था जीजिक्स ने किया। अगर जीजिक्स ऐसे भी चली जाती ना विदाउट पेंट भी तो मेरा बड़ा नुकसान था। उसके ऊपर कॉर्नर लाइट्स होती हैं, उसके ऊपर दूसरी लाइट्स होती हैं, साथ ही साथ उनकी चीज़ें बहुत महंगी, अगर कुछ टूट जाता, निशान पड़ जाता पेंट को या कुछ होता तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था, क्योंकि यार ये चीज़ें हमें दुखती हैं, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट एक नहीं है। लिहाजा शो की बात करें, शो अच्छा भी था नहीं भी था, पार्क व्हील्स की मैनेजमेंट का इस दफ़ा मज़ा नहीं आया, लोग हमारे ऊपर चढ़े थे। हम आपके पास ही हैं, हम आप लोगों को मिलने आए हैं, आप हमारा नुकसान ना करें। मैनेजमेंट से अपील है कि प्लीज़ आगे से आगे जो ऑटो शोज हो उन पे क्राउड अगर आपने इकट्ठा करना है तो उसको मैनेज भी करें प्लीज़। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम ऐसे एक झुमघट्टा बना के चल रहे थे कि यार आगे जाएँ। सिस्टम नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा था, ड्रिफ्टिंग नहीं थी कोई, आप लैप नहीं मार सकते थे, कुछ देखने को नहीं मिलता था यार, कोई करेक्ट हो रहा है, कोई टैंडम्स हो रहे हैं, तो हमने कहा यार छोड़ो दफ़ा करो, जाते ही नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत जल्द हम अपनी गाड़ी वापस लेके आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे, इस दफ़ा लेके आएंगे अच्छे तरीके से। आज के ब्लॉग के लिए तो इजाज़त, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।